हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की कंप्यूटर एप्लीकेशंस में जो पहली यूनिट थी नेटवर्किंग, उसका चौथा लेक्चर देखेंगे, चौथी वीडियो देखेंगे, जिसका टॉपिक है वेब ब्राउजर्स, वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। वेब ब्राउजर, आखिर वेब ब्राउजर होता क्या है? वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एजेंट फॉर एक्सेसिंग द इन्फॉर्मेशन ऑन www। वेब ब्राउजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर एजेंट है जिसका काम क्या होता है, www वर्ल्ड वाइड वेब पे जो भी इन्फॉर्मेशन पड़ी है उसको एक्सेस करना, उसको रिट्रीव करना। अ प्रोग्राम दैट यूजर रन्स टू डाउनलोड, फॉर्मेट एंड डिस्प्ले अ वेब पेज। वेब ब्राउजर इज डिफाइंड एज अ प्रोग्राम। वेब ब्राउजर क्या है? एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका काम क्या होता है, वेब पेजेस को डाउनलोड करना, उसको डिस्प्ले करना, किस पर? वेब ब्राउजर पर। ठीक है, मतलब जो भी वेबसाइट्स होती हैं, वेब पेजेस होते हैं, वो किस पे डिस्प्ले होते हैं, किस पे शो होते हैं? वो शो होते हैं हमारे वेब ब्राउजर्स पे। अगर वेब ब्राउजर ना हो किसी भी सिस्टम में, किसी लैपटॉप में, कंप्यूटर में या मोबाइल फोन में, एंड्रॉइड्स में, तो क्या हम किसी प्रोग्राम को किसी वेब पेज को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इनको देखने का काम, इनको डिस्प्ले करने का काम, शो करने का काम किसका होता है? वेब ब्राउजर का। फर्स्ट वेब ब्राउजर बाई टिम बर्नर्स-ली इन 1990। जो पहला वेब ब्राउजर था वो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था 1990 में। टिम बर्नर्स-ली कौन है? टिम बर्नर्स-ली जो हैं वो हैं हमारे www वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंटर। जिसने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया उसने ही सबसे पहले इन्फॉर्मेशन डाली उस वर्ल्ड वाइड वेब पर, और उस इन्फॉर्मेशन को देखने का एक जरिया बनाया। जरिया क्या था? वेब ब्राउजर। ठीक, और किस फॉर्म में बनाया वो जरिया? वो बनाया हमारा वेब पेज के फॉर्म में। जो पहली वेबसाइट बनाई थी, पहला वेब पेज बनाया था, वो भी इन्होंने ही बनाया था। जो स्टार्टिंग में जो वेब ब्राउजर बना था उसका नाम क्या रखा था? उसका नाम रखा था वर्ल्ड वाइड वेब, क्योंकि इन्होंने जो कंपनी बनाई थी, जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया था वर्ल्ड वाइड वेब, उसी के नाम पे ब्राउजर का नाम रख दिया वर्ल्ड वाइड वेब। आप लोग देखेंगे जो नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, इसमें कोई स्पेस नहीं है, जबकि हमने www की जो फुल फॉर्म पढ़ी थी उसमें वर्ल्ड स्पेस वाइड स्पेस वेब, ठीक है, लेकिन इसमें स्पेस नहीं है। बाद में क्या हुआ, इस नाम को रिनेम कर दिया, और रिनेम करने के बाद इसका नाम क्या रखा? नेक्सस। ये आप लोगों को नाम दिख रहा होगा, इसको नाम क्या रखा इस वेब ब्राउजर का? नेक्सस। तो ये तो रही इसकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वेब ब्राउजर की, आखिर वेब ब्राउजर होता क्या है, उसका काम क्या है, किसी भी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना। क्या काम है उसका? किसी भी वेब इन्फॉर्मेशन को, किसी भी वेब पेज को डिस्प्ले करना। अब कुछ वेब ब्राउजर्स हैं, जैसे ये है पहला वेब ब्राउजर, इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्रोम। ये गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया है, इसलिए पूरा इसका पूरा नाम क्या हुआ? गूगल क्रोम। नेक्स्ट है ये फायरफॉक्स, इसका नाम, इस वेब ब्राउजर का नाम क्या है? फायरफॉक्स। और कंपनी कौन सी है? मोजिला, इसलिए इसका पूरा नाम क्या हुआ? मोजिला फायरफॉक्स। नेक्स्ट है ओपेरा, क्रोमियम, येंडेक्स, आप लोगों ने शायद इसका नाम सुना हो या नहीं पता नहीं, लेकिन इसका नाम येंडेक्स। माइक्रोसॉफ्ट एज, ये एक्सप्लोरर नहीं है, ये है माइक्रोसॉफ्ट एज। फिलहाल में इसका एक नया लोगो आया है, इसको तो सब लोग जानते होंगे, यूसी ब्राउजर, चाइनीज ऐप है, चाइनीज ब्राउजर है यूसी ब्राउजर के नाम से। और ये है इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो विंडोज में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड आता है, वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ मेन ब्राउजर्स हैं, हालांकि वेब ब्राउजर बहुत सारे बनाए गए हैं कंपनीज के द्वारा, बहुत सारे वेब ब्राउजर हैं। लिस्ट अगर में खोली जाए तो पेज भरते चले जाएंगे लेकिन कंप्लीट नहीं होगी। ये यहाँ पे जो कुछ 8 वेब ब्राउजर्स दे रखे हैं, ये मेन वेब ब्राउजर है जिसका इस्तेमाल लगभग हर कोई करता है, और सबने किए भी होंगे वेब ब्राउजर्स का इस्तेमाल। अब बात करते हैं हम लोग वेब पेजेस की, आखिर वेब पेज होता क्या है? अ डॉक्यूमेंट दैट इज सूटेबल फॉर www एंड वेब ब्राउजर। वेब पेज एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा पेज है जो www वर्ल्ड वाइड वेब के लिए भी सूटेबल है और वेब ब्राउजर के लिए भी सूटेबल है। हम लोगों ने बताया था कि वेब ब्राउजर पे क्या होता है, वेब पेज डिस्प्ले होते हैं, शो होते हैं, लेकिन अगर वो वेब पेज वेब ब्राउजर के लिए बना ही नहीं हो तब क्या वो वेब ब्राउजर उस पेज को डिस्प्ले कर पाएगा? नहीं। इसीलिए वेब पेज को इस तरीके से बनाया जाता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जो www और वेब ब्राउजर दोनों के लिए सूटेबल हो। क्यों? वेब ब्राउजर के लिए अगर सूटेबल नहीं होगा तो वेब ब्राउजर पर डिस्प्ले नहीं होगा, और www के लिए सूटेबल इसलिए बनाया जाता है ताकि उस वेब पेज को हम www पर अपलोड कर सकें, उस इन्फॉर्मेशन को www पर डाल सकें, तभी तो वेब ब्राउजर पर शो होगी वेबसाइट के फॉर्म में, वेब पेज के फॉर्म में। क्लियर। नेक्स्ट है इसमें कंटेन्स इन्फॉर्मेशन सच एज टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एंड ग्राफिक्स। आप कोई भी वेब पेज ले लीजिए, अब तक आपने जितनी भी वेबसाइट्स ओपन की होंगी, कोई भी वेबसाइट आप बाद में देखेंगे, उन वेब पेजेस में क्या होता है, बस यही 4-5 चीज़ें होती हैं। टेक्स्ट लिखा होता है, कुछ भी लिखा हो सकता है, इमेजेस होती हैं, ऑडियो होती हैं, वीडियोज़ होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, ग्राफिक्स होते हैं। ठीक है, इन 5 चीज़ों के द्वारा ही एक वेब पेज कंप्लीट होता है। ये
किसी भी वेब पेज को आप देखेंगे तो उस वेब पेज में आपको ये पांच चीज ही मिलेंगी मोस्टली. वेब पेज इज रिटन इन HTML. अब तक 1990 से लेकर आज 2020 हो चुकी 30 सालों में जितने भी वेब पेज क्रिएट हुए हैं, जितनी भी वेबसाइट क्रिएट हुई हैं, वो सब की सब HTML में लिखी हुई होती हैं. ठीक है, मतलब वेब पेज बनाने का काम, जो वेब पेज के लिए एक प्रॉपर लैंग्वेज बनाई बताई गई थी, कंप्यूटर लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज, वो लैंग्वेज कौन सी है? HTML. आज के टाइम पे हम लोगों ने सुना होगा कि वो वेबसाइट HP में, PHP में बन रही है, वो वेबसाइट ASP में बन रही है, उसमें जावा का इस्तेमाल हुआ है, उसमें पाइथन का इस्तेमाल हुआ है. तो ये जो वेब पेजेस होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, इनमें जो लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये बैकएंड में प्रोग्रामिंग के लिए होती हैं. मतलब अगर हमने वेब पेज क्रिएट कर रहा था, उस वेब पेज को हम बेसिकली HTML में क्रिएट करते हैं, लेकिन उस HTML के पीछे, उस वेब पेज पर जो काम हो रहा होता है, प्रोसेस शो हो रहा होता है, वो प्रोसेसिंग किस पर चलती है? वो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में चलती है. क्लियर? दो तरीके के वेब पेजेस होते हैं, स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज. अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक वेब पेज क्या होता है. अ वेब पेज दैट इज डिलीवर्ड टू द यूजर एग्जैक्टली एज स्टोर्ड इन वेब सर्वर. इट डिस्प्लेज द सेम इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल यूजर्स. मान लो मैंने एक वेब पेज क्रिएट किया और उस वेब पेज को मैंने www पर अपलोड कर दिया, उसमें इन्फॉर्मेशन लिखकर www पर अपलोड कर दी. अब जब भी मैं उस पेज को एक्सेस करूंगा तो वो पेज एज इट इज सेम डिस्प्ले होगा. मतलब जैसा मैंने लिखकर भेजा होगा, उसको चाहे मैं एक्सेस करूं, चाहे कोई और एक्सेस करे, वो सेम का सेम पेज डिलीवर्ड होगा जैसा हमने बनाकर अपलोड किया था वेब सर्वर पर. तो उस वेब पेज को क्या बोला जाता है? स्टैटिक वेब पेज. मतलब एक ऐसा वेब पेज जो अपने अंदर की इन्फॉर्मेशन को कभी चेंज ना करे, जो जैसा बन चुका है, जैसा बनाया गया है, वो वैसा ही हमेशा डिस्प्ले हो हर यूजर के लिए, उस वेब पेज को बोला जाता है स्टैटिक वेब पेज. नेक्स्ट है हमारा डायनेमिक वेब पेज. अ वेब पेज हुज कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन इज कंट्रोल्ड बाई एप्लीकेशन सर्वर प्रोसेसिंग सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स. मतलब एप्लीकेशन सर्वर पर जो भी सर्वर साइड स्क्रिप्ट होती हैं, उन्हीं के द्वारा वो वेब पेज कंस्ट्रक्ट किया जाता है और बाद में उस वेब पेज को डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाता है. ठीक है, कुछ वेब पेजेस ऐसे होते हैं जो टाइम के द्वारा या रीजन के द्वारा या इंटरेस्ट की वजह से चेंज होते रहते हैं. इट वेरी अकॉर्डिंग टू टाइम, रेंज एंड रीजन एंड इंटरेस्ट. मतलब आज की तारीख में कोई वेब पेज, डायनेमिक वेब पेज है, वो आज की तारीख में कुछ और शो कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, और चार दिन बाद कुछ और डिस्प्ले कर रहा है. रीजन के हिसाब से इंडिया में कोई वेब पेज अलग तरीके से शो हो रहा है, अमेरिका में कोई वेब पेज अलग तरीके से शो हो रहा है. इंटरेस्ट के हिसाब से मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में है, मेरा इंटरेस्ट फुटबॉल में है, तो स्पोर्ट्स में है, तो स्पोर्ट्स की मुझे चीज़ें दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है. और किसी का अगर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो उसको टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन मिल रही है. क्लियर? इसका भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे अभी, उसमें आप लोगों को बताऊंगा मैं स्टैटिक वेब पेज क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है. नेक्स्ट है हमारा वेबसाइट्स. वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. अब जितने भी वेब पेज हम लोग बनाते हैं उसको डायरेक्टली अपलोड नहीं कर सकते, उसको हम अपलोड करते हैं वेबसाइट की फॉर्म में. ठीक है, कैसे? मान लो एक वेबसाइट में अगर 10 पेज हैं तो मैं 10 पेज को अलग अलग अपलोड नहीं करूंगा www पर, अलग अलग तरीके से अपलोड नहीं करूंगा. मैं क्या करूंगा, उन सारे 10 पेजेस को, मैं वेब पेजेस को एक साथ कंबाइन करूंगा, कलेक्ट करूंगा और उसको क्या बनाऊंगा, वेबसाइट के फॉर्म में. फिर वो वेबसाइट मैं ऊपर सर्वर पर अपलोड करूंगा, वेब सर्वर पर वो वेबसाइट अपलोड की जाएगी. आइडेंटिफाइड विद अ कॉमन डोमेन नेम. अब कोई भी वेबसाइट जब अपलोड कर दी जाती है सर्वर पर और उसको वापस हमें रिट्रीव करना होता है या किसी और को वो वेबसाइट देखनी होती है, तो वो क्या करता है, वो डोमेन नेम को टाइप करता है. अब डोमेन नेम क्या होते हैं? बहुत कॉमन होते हैं, मतलब जो याद हो जाए जल्दी से, जैसे कि google.com, facebook.com, twitter.com, instagram.com. ठीक है, इस तरीके से क्या होते हैं, ये कॉमन डोमेन नेम होते हैं जिससे कि वेबसाइट को हम एक्सेस कर सकते हैं वेब सर्वर से. पब्लिश्ड ऑन एटलीस्ट वन सर्वर. जो वेबसाइट्स हम क्रिएट करते हैं उनको कम से कम एक सर्वर पे हमें पब्लिश करना होता है, अपलोड करना होता है. हम एक से ज़्यादा सर्वर पे भी उसको पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक सर्वर पे तो हमें पब्लिश करना ही है. अगर सर्वर पे पब्लिश नहीं होगी तो वो आपकी लोकल वेबसाइट कहलाएगी, तो उसको आपके अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा. कैन बी अ पर्सनल वेबसाइट. जो वेबसाइट्स होती हैं उसके फॉर्म क्या क्या होते हैं? पर्सनल वेबसाइट, जैसे मैंने अपने लिए कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर दी उसको पर्सनल वेबसाइट बोलते हैं. कॉर्पोरल वेबसाइट, किसी कंपनी के लिए वेबसाइट. गवर्नमेंट वेबसाइट, जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं उनको. एजुकेशनल वेबसाइट्स, जिन वेबसाइट से हम लोग को या तो कुछ पढ़ने को मिलता है, सीखने को मिलता है, या फिर एजुकेशन की इंस्टीट्यूट की, जैसे किसी स्कूल की वेबसाइट या किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, वो सब किस पर में आती हैं? एजुकेशनल वेबसाइट्स में. क्लियर है? अब आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ. ये एग्जांपल जो है नीचे लिखा है http info.cern करके, ये पहला वेब पेज है और ये जो वेबसाइट है ये पहली वेबसाइट है जिसको टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था, क्रिएट किया था. ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल की ओर ले चल रहा हूँ. अब ये देखिए, ये जो ब्राउजर है ये कौन सा ब्राउजर है? गूगल क्रोम. नाम ऊपर शो हो रहा होगा आप लोगों को. इस पर मैंने क्लिक किया
क्लिक करने के बाद ये मेरा ब्राउजर ओपन हुआ। अब ब्राउजर ओपन होने के बाद मैं यहाँ पर डालूंगा एक वेबसाइट का नेम, ठीक है। मान लो मैंने डाला www.youtube.com, मैंने ये वेबसाइट डाली। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो वेबसाइट है, ये जो नेम है, ये कौन सा नेम है, ये वेबसाइट का नेम है, ठीक है। इसको बोले, इसी नेम को हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम, और ये क्या कहलाती है, वेबसाइट। अब जैसे ये जो वेबसाइट मैंने youtube.com ओपन हुई, ये पूरी क्या है वेबसाइट, ये अपने हिसाब से हम लोगों को कंटेंट दिखाती है। अब ये कंटेंट कैसे दिखाती है, जैसे कि मैं इस पर कुछ भी डालूं, ठीक, और मैं इस पर कुछ सर्च कर रहा हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर लिखकर कुछ भी सर्च करा, तो वो मेरा क्या होगा, वो मेरा इंटरेस्ट होगा। तो उसी इंटरेस्ट के हिसाब से क्या करती है youtube.com, हम लोगों को वीडियोज़ दिखाना शुरू करती है। मान लो मैंने कोई वेबसाइट कोई सर्च करा यहाँ पर कुछ भी सर्च बार पर, तो दूसरे दिन मैंने उसको सर्च किया, जैसे पबजी के बारे में आजकल बहुत फेमस गेम चल रहा है, मैं यहाँ पर पबजी के बारे में सर्च कर रहा हूँ, लिखता हूँ पबजी, ठीक है। तो आज मान लीजिए मैंने पबजी की कुछ वीडियोस देखी, अब देखिए वीडियोस उसमें स्टार्ट होंगी, उसके बाद कल मैंने कुछ पबजी की वीडियोस देखी, अब तीसरे दिन चौथे दिन क्या होगा, YouTube, जब मैं youtube.com पे लॉगिन करूंगा, अपना ओपन करूंगा, तब हमेशा मुझको क्या दिखाएगा, ज़्यादातर पबजी की एक वीडियो, दो वीडियो, तीन वीडियो वो हमेशा दिखाता रहेगा उसमें रिकमेंडेशन में। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम इंटरेस्ट के हिसाब से क्रिएशन बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी वेबसाइट है यहाँ पर amarujala.com की, ये देखिए ये दूसरी मैंने वेबसाइट ओपन करी है, इसका डोमेन नेम क्या है, amarujala.com, ये अमर उजाला न्यूज़ वेबसाइट है, ठीक है। अब न्यूज़ वेबसाइट में इसमें क्या होता है, इसमें जो टाइम के हिसाब से और रीजन के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं, जैसे कि मान लो आज जो तारीख है, आज इस तारीख में ये सब न्यूज़ शो हो रही है, इसके चार दिन बाद, पाँच दिन बाद जो मैं जब इसको ओपन करूँगा तो कुछ और न्यूज़ शो होगी, जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रही होगी वो शो होगी, पुरानी न्यूज़ इसमें कभी शो नहीं होती, क्योंकि इसका काम क्या होता है, ये टाइम के हिसाब से अपने आप कंटेंट को, अपने वेब पेज को चेंज करना, यही इसका काम है, इसीलिए इसको बोला जाता है डायनेमिक वेब पेज, क्लियर है, ये डायनेमिक वेब पेज है। अब ये तो रहा टाइम के हिसाब से चेंज होना और इंटरेस्ट के हिसाब से चेंज होना, अब रीजन के हिसाब से कैसे चेंज होती है, मान लो मैं यहाँ अलीगढ़ में बैठ के कोई वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, तो अब जब न्यूज़ वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ तो अलीगढ़ की न्यूज़ दिखाएगा, नागपुर में बैठ के ओपन कर रहा हूँ तो नागपुर की न्यूज़ दिखाएगा, कलकत्ता में बैठ के ओपन कर रहा हूँ तो कलकत्ता की न्यूज़ दिखाएगा, जिस रीजन में मैं बैठ के ओपन करूँगा वहाँ की न्यूज़ दिखाएगा, क्लियर। तो ये तो रहा हम लोगों का एक लाइव एग्जांपल, जिसमें वेब पेज बताया मैंने कि ये सब वेब पेजेस होते हैं डायनेमिक और स्टैटिक, ये तो डायनेमिक वेब पेजेस हुए। अब स्टैटिक वेब पेज जो थी मैंने आप लोगों को भी बताई थी, ये एग्जांपल अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि ये पहला वेब पेज था, पहली ये थी, तो ये जो है ये पहला वेब पेज है, पहला वेब पेज मतलब ये देखिए। अब जब भी इसको कोई भी यूज़र किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, कहीं पर भी बैठकर ओपन करेगा इसको, तो उसको क्या दिखेगा, उसको सेम ऐसा वेब पेज दिखेगा, सेम यही वेब पेज दिखेगा, इसलिए इस वेब पेज को क्या बोला जाता है, इस वेब पेज को बोला जाता है स्टैटिक वेब पेज, क्या बोला जाता है इसको, स्टैटिक वेब पेज। ये तो रहा आपका स्टैटिक वेब पेज, और ये रहा आपका डायनेमिक वेब पेजेस, यूट्यूब भी आपकी डायनेमिक वेबसाइट है, ठीक है। और ये जो ऊपर लिंक में दिखता है, यूआरएल में दिखता है, इस यूआरएल को क्या बोलते हैं, इस यूआरएल को बोलते हैं डोमेन नेम या फिर वेबसाइट, क्लियर। और जिस चीज़ में ये सब दिख रहे हैं, ये वेब पेजेस और वेबसाइट शो हो रही हैं, उस वेब पेज चीज़ को क्या बोला जाता है, उस एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को बोला जाता है वेब ब्राउज़र, क्लियर। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट रहता है, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे मेल में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल लिखा है, मेरा फ़ोन नंबर लिखा है, आप मुझको डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही आज के लिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।